हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 प्राकृतिक व्यायाम। ठीक है, जो प्रकृति की तरफ से जो व्यायाम है, प्राकृतिक व्यायाम मतलब कुछ जो वर्कआउट ऐसे होते हैं, कुछ कसरत ऐसे होते हैं जिनको हमको करना ही पड़ता है, जिसको प्रकृति ने निर्धारित किया है, जिसको प्राकृतिक व्यायाम कहते हैं। ठीक है, व्यायाम एक्सरसाइज। अब क्या है बेटा, जो मानसिक शक्ति के विकास के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हमारा मानसिक विकास होगा। हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला तभी रहेगा जब हम शारीरिक मेहनत करेंगे। एक किसान के लिए अपने शरीर को फुर्तीला रखना कोई मुश्किल काम नहीं होता। सबसे जो मेहनती आदमी वो कौन है? किसान। वो इतनी मेहनत करता है कि उसका शरीर हमेशा फुर्तीला रहता है। केवल मानसिक शक्ति का प्रयोग करने वालों के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है, तभी वे स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक कि व्यायाम हमें क्यों करना चाहिए, व्यायाम का अर्थ क्या है और व्यायाम करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। पाठ है हमारा, मनुष्य को जितनी जरूरत हवा पानी और अन्न की होती है उतनी व्यायाम की भी है। हाँ, कसरत बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है, फिर भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या और घूमना ही नहीं, कसरत का अर्थ है शारीरिक और मानसिक कार्य जैसे भोजन, हाड़ और मांस के लिए ही नहीं मन के लिए भी आवश्यक है। वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं मन के लिए भी होनी चाहिए। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है और मन की कसरत न होने से वह शिथिल रहता है। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने में तो बराबर प्रवीण हो किंतु मन उसका गवारों का सा हो तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी कहावत है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में स्वस्थ मन का वास है। ऐसी कसरतें कौन सी हैं? प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि तुम सदा कसरत करते रह सकते हो। शांति पूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर ही निर्भर करता है। किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। सही में जो किसान की जो परिवार होता है ना बच्चों, वो बहुत मेहनती होता है। उसके बच्चे, पत्नी सब दिन भर मेहनत करते हैं। वो इसलिए उनका शरीर बहुत ही फुर्तीला होता है, उनके शरीर में हमेशा रक्त संचार होता रहता है, समझे। रोज 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर का ही मिलता है। इन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती। अब देखो किसान क्या, दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी इतनी इनकी कमाई नहीं होती है कि अपने मनचाहा वो कुछ भी कर सके। इनको बस इतना ही मिलता है इतनी मेहनत करने के बाद कि जिससे इनका पेट भर सके और पहनने के इनको कपड़े मिल सके। इसलिए जो किसान है फिर भी क्या होता है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, चतुराई के साथ जोतना और साधारणता चंद्रमा सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्धि सिद्ध होगा। किसान ही यह बता सकेगा कि अमुक बीज कब बोया जाता है। उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होता है। तारों को देखकर वह रात में दिशा को पहचान लेता है। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से वह बहुत सी बातें जान लेता है। जो किसान होता है वो उसको प्रकृति के द्वारा ही बहुत सारी चीजों का अंदाजा मिल जाता है, क्योंकि उनके पास वैज्ञानिक कुछ ऐसे नहीं होते हैं, ना ही उनको जल्दी गांव घर में आवाज की। आज इतना विज्ञान विकसित हो गया है कि गांव गांव में टीवी है, टेलीविजन और रेडियोज वगैरह हैं, मोबाइल्स हैं, जिनको न्यूज उनको तुरंत मिल जाती है। प्राचीन समय में क्या होता था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। जो किसान थे वो दिशा को देखकर, तारों को देखकर वो पता लगा लेते थे कि कुछ क्या होने वाला है, प्रकृति में ऐसी कौन सी दुर्घटनाएं होती हैं, होने वाली है। वो पशु पक्षियों की आवाज से भी इसका अंदाजा लगा लेते थे, इतने वो लोग बुद्धिमानी होते थे।
इसलिए तो कहा गया है कि बड़ा बड़ा शहरी भी किसान के आगे मूर्ख होता है। अब के अमुक कबूतर तारों को देखकर वह रात में दिशा को पहचान लेता था। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से वह बहुत सी बातें जान लेता है। विशेष प्रकार के पक्षियों को इकट्ठा और किल्लोल करते देखकर यह बता सकता है कि पक्षियों का अमुक काम अमुक बात का सूचक है। समझे, जैसे कि पक्षी अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है किससे खुशी आएगी किससे उदासी आएगी। किसान अपने काम भर की खगोल भूगोल और भूगर्भ विद्या समझता है। उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। इससे उसे मानव धर्म शास्त्र को साधारण ज्ञान होता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर का महत्व सहजता से समझता है। किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते। हमने किसानों की जिंदगी को कुछ वर्णन यहाँ इसलिए किया है जिससे लोग अपना रहन सहन उन्हीं के समान बना सके। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना ही भिन्न होगा हम उतना ही अधिक रोगी भी होंगे। किसान के जीवन वृत्तांत से आप समझ गए होंगे कि मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए और वह ऐसा इसलिए कि जिसमें मानसिक शक्तियों को भी काम करने का अवसर मिल सके। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को कुछ मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह कसरत एकांगी होती है। ये लोग किसान के समान खगोल भूगोल तथा इतिहास का ज्ञान नहीं रखते। इन्हें भाव ताव की खबर रहती है, माल की खपत करना और कराना खूब जानते हैं, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति का पूरा जोर नहीं पड़ता और न इस धंधे में शरीर को भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि खेल लाभदायक बताए हैं। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिए। मानसिक श्रम के लिए ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े। यह एक और की बात हुई, अब इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। इसके अलावा उनके उदाहरण क्रिकेट अथवा फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो उनमें कितने अच्छी मानसिक शक्ति वाले मिलेंगे। हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी रहे उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें क्या प्रमाण मिले। इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्ति वाले हैं उनमें कितने खिलाड़ी हैं। मेरी समझ में मानसिक शक्ति वाले खेलों में बहुत ही कम खेलने वाले खिलाड़ी पड़ेंगे। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग ही निराला है। वे मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत नहीं करते या कम करते हैं। इसी से हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। इनका शरीर लगातार मानसिक काम करते रहने के कारण क्षीण हो जाता है। कोई ना कोई रोग इनके शरीर में घर किए रहता है और उनके पुष्ट विचारों से देश लाभ उठाए। ऐसा समय आते आते ही वे संसार से चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम काफी नहीं है और न ही वह कसरत जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए हो। जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे वही कसरत अच्छी है। उसी से मनुष्य निरोग रह सकता है। किसानों में ये दोनों गुण हैं। जमीन का काम करने को कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। अब देखो, जमीन का काम करने के अलावा दूसरा क्या सर्वोत्तम कसरत है? चलना। इसे कसरतों की रानी कहते हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ा करता है, प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है और सारा शरीर कस उठता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही हैं, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा मिलती है, बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए, खेतों और जंगलों में घूमना आवश्यक है। वहाँ प्राकृतिक शोभा को की कुछ परख होगी। 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता, 10-12 मील चलना है। जो लोग प्रतिदिन ऐसा ना कर सके वे प्रति रविवार को खूब चल सकते हैं। ये किसकी लिखी गई है कहानी है, रचना है महात्मा गांधी की। इसका मूल्य क्या है बेटा? व्यायाम का महत्व, कृषक जीवन सर्वोपरि जीवन है, मानसिक व शारीरिक विकास होता है। किसके कारण?
शारीरिक व्यायाम के कारण। अभी शब्द अर्थ है और श्रुत लेख है जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। मानसिक दिमाग संबंधी, शारीरिक शरीर संबंधी, मार्ग रास्ता, प्रत्येक हर एक, निरोग स्वस्थ, श्रम मेहनत, प्रवीण कुशल, छिड़ निर्बल कमजोर, सर्वोत्तम सबसे अच्छा, कल्लोल मौज क्रीड़ा, शिथिल कमजोर, बीजान वृत्तांत घटना वर्णन, निरुपयोग जिसका कोई उपयोग ना हो, शोभा सुंदरता निराला अनोखा। अब श्रुतले के शब्द कौन कौन, शारीरिक मानसिक प्रवीण निर्भर कल्लोल भूगर्भ विद्या क्षीण प्राकृतिक। ओके ठीक है बेटा।